वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने एक राजनयिक जंग जीती थी और वो क्षण भारत के लिए महत्वपूर्ण बन गया क्योंकि उस समय किसी भी स्थायी सदस्य ने भारत का समर्थन नहीं किया। सैयद अकबरुद्दीन ने अपनी एक पुस्तक में उस घटना पर प्रकाश डाला। TFI पर आपका स्वागत है, मैं अभिषेक शर्मा आपको बताने जा रहा हूँ कि सैयद अकबरुद्दीन की पुस्तक में वर्णित 2017 की उस घटना के बारे में जिसे सुनकर आप गर्व की अनुभूति करेंगे। बहुत से लोग इस कहानी से अवगत नहीं हैं, लेकिन 2017 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में प्रमुख रूप से ब्रिटेन के खिलाफ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 4 अन्य स्थायी सदस्यों के खिलाफ एक राजनयिक जंग जीती थी। UNSC के किसी भी स्थायी सदस्य का समर्थन ना होने के बावजूद भारत ने अपने उम्मीदवार न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी को हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में फिर से निर्वाचित करने के लिए लड़ाई जीती। 2017 में दुनिया के ताकतवर देशों के आधिपत्य के खिलाफ जीत भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बन गई क्योंकि इस विजय से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने शक्तिशाली आगमन की घोषणा की। दुनिया को विश्वास हो गया है कि भारत एक ऐसी शक्ति बन गया है जो दुनिया भर में किसी भी अन्य राष्ट्र की तरह सम्मान और प्रभाव रखने का हकदार है। अब भारत की शानदार जीत की कहानी को बताते हुए सैयद अकबरुद्दीन द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई है जो उस समय संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो यह सुनिश्चित कर रहे थे कि ब्रिटेन के उम्मीदवार के बजाय एक भारतीय जज चुना जाए। इंडिया वर्सेस UK द स्टोरी ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन नामक पुस्तक 23 सितंबर को रिलीज होने वाली है। हुआ कुछ यूं कि नवंबर 2017 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा अपने उम्मीदवार क्रिस्टोफर ग्रीनवुड का नाम दौड़ से वापस लेने के बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के नामित दलवीर भंडारी को निर्वाचित किया जाना था, लेकिन ब्रिटेन ने टांग अड़ा दी। एक कठिन प्रतियोगिता की अभी उम्मीद नहीं की गई थी क्योंकि 5 न्यायाधीशों को 5 पदों के लिए चुने जाने की आवश्यकता है, इसलिए व्यवहारिक रूप से कोई प्रतियोगिता नहीं थी जब तक कि संयुक्त राष्ट्र में लेबनान के पूर्व राजदूत ने अपनी उम्मीदवारी रिंग में नहीं डाली। लिहाजा 5 पदों के लिए 5 उम्मीदवार होने के बजाय अब 6 हो गए। जैसा ही यह पता चला, लेबनान के पूर्व राजदूत को एशिया से उम्मीदवारों के लिए एक आरक्षित पद से CJ में एक सीट मिलनी तय थी। इसने भारत के उम्मीदवार दलवीर भंडारी को यूरोपीय सीट से चुनाव लड़ने के लिए मजबूर भी कर दिया, जिसमें नई दिल्ली और लंदन न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आमने सामने आ गए। हालांकि UK द्वारा ग्रीनवुड का नाम वापसी प्रतिष्ठित पद के लिए 11 दौर के मतदान के बाद हुआ, जबकि भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्य राज्यों का भारी समर्थन मिला। ब्रिटेन ने 4 अन्य स्थायी सदस्यों US, चीन, रूस और फ्रांस के समर्थन के कारण UNSC में लगातार जीत हासिल की। एक सफल उम्मीदवार को संयुक्त राष्ट्र के दोनों निकायों में बहुमत के समर्थन की आवश्यकता होती है। ब्रिटेन के सर क्रिस्टोफर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का समर्थन हासिल किया, जबकि भारतीय न्यायाधीश को संयुक्त राष्ट्र महासभा का समर्थन प्राप्त। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के लिए समर्थन जुटाना एक कठिन कूटनीतिक क्रिया थी। ब्रिटेन हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं। द हिंदू के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, विदेश सचिव S. जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन के नेतृत्व में भारत की राजनयिक ताकत UNGA में भारत के लिए और अधिक समर्थन जुटाने को प्रयासरत थे। इसके बाद UK ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में एक अल्प ज्ञात प्रावधान को लागू करने का निर्णय लिया जो एक मध्यस्थता प्रक्रिया की अनुमति देता है, जिसे संयुक्त सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, जो कि UNGA और UNSC के विकल्पों के बीच मौजूद गतिरोध को हल करने का प्रयास करता है। हालांकि यह एक अभूतपूर्व कदम था और भारत द्वारा इसे बहुत ही नकारात्मक रूप से देखा गया। यहीं पर UNSC के स्थायी सदस्यों ने फैसला किया कि बहुत हो गया और लंदन को यह स्पष्ट भी कर दिया कि वह एक संयुक्त सम्मेलन के लिए उसकी बोली का समर्थन नहीं करेंगे। भारत की कूटनीतिक ताकत से ब्रिटेन हार गया था, जिसके बाद उसने अपने उम्मीदवार ग्रीनवुड को दौड़ से हटा लिया। भारत के उम्मीदवार न्यायमूर्ति भंडारी ने GA में 193 मतों में से 183 मत प्राप्त किए और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अलग और एक साथ चुनाव होने के बाद UNSC में सभी 15 वोट हासिल किए। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन के उच्च श्रेणी के राजदूत मैथ्यू राइक्रॉफ्ट ने कहा कि UK ने अपने उम्मीदवार को वापस ले लिया क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र में मूल्यवान समय नहीं लेना चाहता, और उन्होंने कहा कि वह प्रसन्न थे कि भारत जैसा करीबी दोस्त जीत गया। भारत ने एक शानदार उपलब्धि हासिल की और 2017 में ही दिखा दिया कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का समर्थन न होने के बावजूद जीत सकता है। सैयद अकबरुद्दीन की पुस्तक में पूरे अभियान का एक बेहतर और अधिक गहन विवरण पाया जा सकता है।